Hi, this is Manish Sharma. Welcome to my YouTube channel. So, do you plan your trade or do you trade as per your plan? ये वीडियो में हम ये सीखेंगे. मतलब क्या आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो, जो आप इवनिंग में प्लान एक बनाते हो कि मुझे ये स्टॉक में ट्रेड करना है, क्या आप एक्चुअली नेक्स्ट डे उसी स्टॉक में जाके ट्रेडिंग करते हो, या आपका ट्रेड जो है वो आपके प्लान के हिसाब से होता है या नहीं होता है? बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट प्लानिंग ट्रेड करते हैं. उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कौन से स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं. उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनका स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा, क्या उनका रिस्क है. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रीवियस डे एक दिन पहले प्लानिंग तो कर लेते हैं कि मुझे टाटा स्टील बाय करना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, लेकिन नेक्स्ट डे जाके ट्रेड करते हैं इन्फोसिस में. और इन्फोसिस में फंसने के बाद जब वो टाटा स्टील देखते हैं कि टाटा स्टील उनके प्लानिंग के हिसाब से ही प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तब वो सोचते हैं कि इन्फोसिस का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, जो प्लान था उसी के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए था. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अब मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो बाकी किसी YouTube चैनल पे आपको सीखने को नहीं मिलेगा. बाकी सारे YouTube चैनल पे आपको RSI MACD के 10 वीडियोज मिल जाएंगे, बट जो मैं आपको टॉपिक सिखाने वाला हूँ अभी, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा. सो ध्यान से पूरा वीडियो देखना. अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका आपके पास पूरा प्लान पहले से रेडी होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है. जैसे आज मार्केट बंद हुआ तो शाम को आप एक घंटा आधा घंटा एनालिसिस कर लो और एक लिस्ट बना लो 3-4 स्टॉक का कि आपको ये स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, और नेक्स्ट डे आपको उन्हीं स्टॉक्स में जाके ट्रेड करना है. ठीक है, कई लोग ये प्लानिंग करते नहीं है, उनको नहीं पता होता है, विदाउट प्लानिंग वो ट्रेड करते हैं इसलिए उनको लॉस होता है. कई लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लान को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते. ठीक है, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक समझाता हूँ. मैं शाम को ही स्टॉक डिसाइड कर लेता हूँ कि ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, 3-4 स्टॉक्स. नेक्स्ट डे जाके मेरा एक सेपरेट मार्केट वॉच मैंने बना के रखा है, डेली मार्केट वॉच, जो एकदम ब्लैंक रहता है. उसमें वो चारों स्टॉक्स मैं ऐड करता हूँ. उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी ऐड नहीं करता, सिर्फ जो चार स्टॉक्स मैंने डिसाइड किए थे वही स्टॉक्स ऐड होते हैं और उसी स्टॉक्स पे ही पूरा दिन मेरा फोकस रहता है. तो अगर आप ऐसे करोगे तो ही आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने मार्केट वॉच में बहुत सारे स्टॉक्स रख लिए तो आपका माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होगा. एंड ऐसा होगा कि आपने प्लान किया था टाटा स्टील और आप ट्रेड करोगे इन्फोसिस में और उसके वजह से लॉस हो जाएगा. उसके वजह से लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपने प्लानिंग किया था, स्टडी किया था टाटा स्टील में, इन्फोसिस के लेवल आपने स्टडी नहीं किए, इन्फोसिस का स्टॉप लॉस शॉर्ट करके आपने स्टडी नहीं किया, तो इसीलिए आपको लॉस होने के चांसेस इन्फोसिस में ज्यादा हो जाते हैं. ये वीडियो में आपको यही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि RSI MACD वीडियो आप देखते रहो, जिंदगी भर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक आपका ये एक्चुअल प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करोगे. आपको अपना प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करना है और आपका जो ट्रेड है वो आपके प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए. सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ट्रेडर हो, स्टार्ट मेकिंग अ डेली प्लान. शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपको जब टाइम मिले एक आधा घंटा एनालिसिस करो 3-4 स्टॉक, उसके स्टॉप लॉस टारगेट्स डिसाइड कर लो क्या कैसे करना है. एंड नेक्स्ट डे आप एक नया मार्केट वॉच बनाओ जिसमें सिर्फ वही स्टॉक्स होंगे जिसका आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपने स्टडी किया था प्रीवियस डे, और आपको उसी स्टॉक्स में ट्रेड करना है, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है. आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी भी उस मार्केट वॉच में मत रखना, बाकी कोई भी स्टॉक आपके वो मार्केट वॉच में नहीं होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ जो आपने स्टडी किए थे 3-4 स्टॉक, वही स्टॉक आपके मार्केट वॉच में होना चाहिए और आपका पूरा कंप्लीट फोकस उन्हीं स्टॉक्स पे होना चाहिए और आपके लेवल्स पे होना चाहिए. छोटी छोटी बातें हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, आप लोग ऐसी बहुत सारी मिस्टेक करते होंगे एंड मैं वो सब मिस्टेक कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये सब प्रैक्टिकल मिस्टेक्स होती हैं. सो मैं भी अब ये रूल्स फॉलो करता हूँ डेली एनालिसिस करके, जो स्टॉक्स हैं उन्हीं पर ही ट्रेड करता हूँ. तो इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको ये रूल बनाना पड़ेगा और आपको ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडर बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है. तो आज के वीडियो में इतना ही. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.